सत श्री अकाल जी, पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गिल। एक नज़र मारदे हां हुण तक दीआं खास सुरखियां ते। केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सैशन सद्या। 18 सितंबर तो 22 सितंबर तक चलेगा विशेष सैशन। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट राही सांझी की जानकारी। अमरनाथ यात्रा की हुई रस्मी समाप्ति। इस साल 4,70,000 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। 62 दिन चली अमरनाथ यात्रा। पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंसल ने सांझी की अहम जानकारी। सरकारी स्कूलों में सुरक्षा गार्ड तैनात करने वाला पहला सूबा बनया पंजाब। ते हुण खबरां विस्तार नाल। केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सैशन सद लिया। 5 दिनों में लोग सभा ते राज्य सभा की कार्रवाई चलेगी। यह सैशन 18 सितंबर तो 22 सितंबर तक चलेगा, जिस विच 5 बैठक होणगियां। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने वीरवार को यह जानकारी दी है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद ने ट्वीट किया कि संसद का विशेष सैशन 18 तो 22 सितंबर दौरान चलेगा। इस विच 5 बैठक होणगियां। इस सैशन विचों संसद विच सार्थक चर्चा ते बहस होण नूं लैके असंबंध ने। हालांकि सैशन 9 ते 10 सितंबर को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के कुछ दिनों बाद होने जा रहा है। अजे तक यह साफ तौर पर नहीं दसा गया कि किहड़ा बिल है जिसनों पास करवाने विशेष सैशन सद्या गया। दस दिए कि इस बार मानसून सैशन 20 जुलाई तो शुरू होया सी अते 11 अगस्त को खत्म होया सी, जो काफ़ी हंगामेदार रहा। इस चलद संसद के दोवों सदनों में ज़्यादा कामकाज नहीं हो सकया। श्री अमरनाथ यात्रा की छड़ी मुबारक तड़के पवित्र गुफा में पहुंची। छड़ी मुबारक के दर्शन के नाल अमरनाथ यात्रा की समाप्ति हुई। छड़ी मुबारक के रखवाले महंत दीपेंद्र गिरी ने कश्मीर हिमालय में अमरनाथ गुफा मंदिर में सालाना अंतिम पूजा की। हुण तक की सब तो लंबी यात्रा समाप्त हो गई। सूरज चढ़न तो पहला अमरनाथ के पवित्र मंदिर में इस ले जाया गया। पवित्र गुफा में भगवान शंकर की पूजा करने ही इस साल की यात्रा के मुख्य दर्शन मुख्य पूजा की रस्म समाप्त हुई। इस साल 62 दिनों तक चलने वाली लंबी अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई में शुरू हुई सी अते 31 अगस्त को अज समाप्त हुई है। इस साल 4,70,000 तो वध श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा के दर्शन किए। पिछले साल की यात्रा में कुल 3 लाख तो वध श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए सन। इस साल बड़ी गिणती में विदेशी श्रद्धालु भी अमरनाथ के पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन लिए पहुंचे। अमरनाथ की यात्रा लिए छड़ी मुबारक शेषनाग तो 5 तरनी लिए कल रवाना हुई सी। 5 तरनी तो छड़ी मुबारक पवित्र गुफा पहुंची और पूजा के दर्शन के नाल ही 62 दिनों की बाबा अमरनाथ यात्रा संपन्न हो गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल 3 सितंबर को हरियाणा के भवानी जिले में पहुंचेंगे और आम आदमी पार्टी के सर्कल पद्धर और होर अहुदेदारों सहुं चुकाएंगे। इस गल की जानकारी हरियाणा में आम आदमी पार्टी के आगू डॉक्टर अशोक तंवर और निर्मल सिंह ने सांझी की है। उन्हें कहा कि केजरीवाल के नाल मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहेंगे। हमारे नेता केजरीवाल जी 3 तारीख को हरियाणा के दौरे पे आएंगे भिवानी में। भगवंत मान जी भी साथ होंगे और जो हमारे नवनियुक्त जो हमारे ये नियुक्तियाँ हुई हैं सर्कल के लेवल पे उनको दिलाएंगे। पहले स्टेट, फिर पार्लियामेंट, डिस्ट्रिक्ट पार्लियामेंट पे जो है हमने वो सर उन सबको दिला चुके हैं। तो अब तक ये 4,000 के लगभग हमारे साथियों को जिम्मेवारियाँ सौंपी गई हैं। इसके बाद हम जो है विलेज लेवल और बूथ लेवल पे जो है हमारा संगठन और बनेगा। और आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बहुत तेज़ी से जिसने अपना संगठन बनाया हर लेवल पे और सबके लिए एक उदाहरण जो है दिया है। बहुत सी पार्टियाँ जो बरसों से जिनके संगठन ही नहीं बने हैं और सबसे बड़ा हमारा जो है संगठन है कि अरविंद केजरीवाल जी 3 तारीख को भिवानी की धरती पर आएंगे और जो मॉडल दिल्ली से शुरू हुआ था आम आदमी पार्टी का, धीरे धीरे उसमें भी बहुत सुधार और जो अनुभव हैं उसका समावेश करके
देश का बेहतरीन संगठन आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कैसे बने, वो बनाने में आम आदमी पार्टी लगी हुई है। और अभी तक हमने करीबन 4000 नियुक्तियां करी हैं। कल ही 1338 हमने सर्कल इंचार्जेस, सर्कल 5 वार्ड और 5 गांव के ऊपर एक सर्कल हमने बनाने का काम किया है। कल उनकी नियुक्ति हुई है, करीबन और दूसरे भी पदाधिकारी नियुक्ति हुई है। और अभी तक हमारे 4000 पदाधिकारी टोटल मिलाकर के 3 चरणों में हमने उनकी नियुक्ति करी है। और ये जिम्मेदारी उन लोगों को दी जा रही है जो जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। ये किसी की सिफारिश के आधार पर संगठन बनाने का काम तो उनके साथ साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी भी उनके साथ पहुँचेंगे। और मैं समझता हूँ कि ये शपथ ग्रहण अपने आप में ऐतिहासिक होगा, क्योंकि सर्कल इंचार्ज जो और दूसरे पदाधिकारी नियुक्ति है, ये पहले भी बताया गया था कि अभी तक 2 जो हमारे ऑफिस बेयरर्स पहले 2 चरणों में बने थे, उनका ओथ जो है पार्टी के हमारे महासचिव जो संगठन है संदीप पाठक जी, उन्होंने करवाई थी। और उसी समय ये बात आई थी कि जब सर्कल तक हम पहुंच जाएंगे, गांव तक हमारा संगठन बनेगा, तो फिर उसके आगे के जितना भी है वो अरविंद केजरीवाल जी उनको शपथ दिलाने का काम करेंगे। और इसी कड़ी में आगे जैसा निर्मल जी ने बताया कि आम आदमी पार्टी भविष्य के अंदर बूथ और गांव के स्तर पर भी कमेटियों का गठन करेगी। पंजाब सरकार ने पंचायतां भंग करन दा फैसला वापस ले लिया। इस फैसले तो बाद पंचायतां मुड़ बहाल कर दित्तियां जाणगियां। इस बारे पंजाब सरकार वालों जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। पंजाब के AG ने चीफ जस्टिस की अदालत में सुनवाई दौरान यह जानकारी दी। दस दिए कि पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस रवि शंकर झा की अगवाई वाले डिवीजन बेंच ने ग्राम पंचायतां भंग किए जाने के मामले उत्ते दायर जनहित पटीशन उत्ते सुनवाई दौरान पंजाब सरकार ने फटकार लगाई सी। पंजाब सरकार वालों पंचायतां भंग करन दा नोटिफिकेशन जारी करन तो बाद इस दे खिलाफ पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट में पटीशन दायर करके इस नूं रद्द करन दी मंग की गई सी। दायर पटीशन विच कहा गया सी कि 10 अगस्त का नोटिफिकेशन पूरी तरह नजायज़ मनमर्जी वाला ते कुदरती न्याय दे सिद्धांत दे खिलाफ है। पंजाब सरकार ने पंचायतां भंग करन दा फैसला वापस ले लिया। इस फैसले तो बाद पंचायतां मुड़ बहाल कर दित्तियां जाणगियां। जल्द ही इस बारे नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। पंजाब सरकार दे इस फैसले नूं लैके श्रोमणी अकाली दल बादल दे आगू प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने सरकार की आलोचना की है। इस दे नाल ही उन्होंने कहा कि अकाली दल बादल हड़ताल करन वाले मुलाजमान दे नाल खड़ा है, क्योंकि मुलाजम सरकार की रीढ़ की हड्डी होंदे ने। ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਸਲੀਕਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਪੁਰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਅੱਜ ਸੰਕਟ ਤੇ ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਟਕਰਾਅ ਪਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 699 ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ 37 ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 1378 ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੈਂਪਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਸਮੇਤ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ 123 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਯਾਰੀਆਂ 2 ਫਿਲਮ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਾਫਰੀ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਾਧਿਕਾ ਰਾਓ, ਨਿਰਮਾਤਾ ਭੂਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਿਨੈ ਸਪਰੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 295A ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
दरअसल सिख तालमेल कमेटी ते होर सिख जथेबंदियों वालों केस दर्ज करवाया गया है। फिल्म विच धार्मिक भावनाओं नूं ठेस पहुंचाउण दा इल्जाम लगाया गया है। यारियां टू फिल्म दे गीत विच ककारां दी बेअदबी विखाई गई है। दरअसल इस फिल्म दे एक सीन विच अदाकार ने बिना सिर दस्तार सजाए किरपान पहनी हुई है। इस सीन तो बाद सिख संस्थाओं विच बहुत रोस पाया जा रहा है, जिसका उन्होंने वालों विरोध भी जताया जा रहा है। जो फिल्म आ रही है यारियां टू, उसदे विच किसी एक ट्रेलर देखिया तो वह एक मोना बंदा जिसके सिर पर पग नहीं हैगी, उन्हें वह श्री साहब जो साडे सिखां दा धार्मिक चिन्ह है श्री साहब वह कुरपान पा के वह एक गाना फिल्मारिया जा रहा वा। जो वह जो गाना देखिया साड़िया सिखा दियाँ जां मेरियां भावना हर अहल हुई कि हाँ भी एक साडा धार्मिक चिन्ह जो सानू गुरु साहब ने सानू पांच ककारां दे रूप विच सानू बख्शिया सीगा उहदी एक बेपति कर रहे हैं, सिखी ककारां दा घाण कर रहे हैं। असीं उहदे संबंध में जलंधर के डिवीजन नंबर 4 विच कमेटी दित्ती सी, जिथे असीं सारियां जथेबंदियां अपनी सिख तालमेल कमेटी अते होर भाई कन्हैया सेवा दल दुष दमंडल खालसा धार्मिक जथेबंदियों नाल लै के आपां उहदे कमेटी दित्ती है। ते राती उत्थों साडी उत्थों दे प्रशासन ने साडी बेनती नूं मंनदिया होया उहनां उत्ते 295A दा पर्चा दर्ज किया है, जिस तहत जो फिल्म की डायरैक्टर राधिका राओ और विनय सपरू जिन्होंने जानबूझ के ये सिखी सिद्धांतों का घाण किया है उन्होंने उत्ते 295 का पर्चा दर्ज किया है। असी प्रशासन का धन्यवाद करते हैं जो एक समुदाय को दूजे समुदाय नाल टकराने का जो एक टकराव हो रहा सीगा उन्हें रोकिया वा। असी प्रशासन को बेनती करते हैं कि इन्हां दी जल्दी तो जल्दी गिरफ्तारी पाई जाए। जिला फतेहगढ़ साहब विखे पैंदी एशिया की प्रसिद्ध लोहा नगरी मंडी गोविंदगढ़ के स्क्रैप व्यापारियों वालों GST विभाग उत्ते तंग परेशान करने के आरोप लगाउंदिआं अज तो लोहा स्क्रैप की खरीद बंद करन उत्ते 4 सितंबर तो अणमिथे समय लई हड़ताल उत्ते जाण दा ऐलान कीता गया। इस संबंधी स्क्रैप व्यापारियों की एसोसीएशन द आयरन स्क्रैप ट्रेडर्स वैलफेयर एसोसीएशन वालों सद्दी गई मीटिंग में इस संबंधी विचार वटांदरा किया गया, जिस तों बाद समूह स्क्रैप व्यापारियों ने 4 सितंबर तो अणमिथे समय लई हड़ताल उत्ते जाण दा ऐलान कीता है। इसका ऐलान करते हुए एसोसीएशन के प्रधान अमनदीप शर्मा ने दसा कि सरकार अपना काम कर रही है तो व्यापारी अपना, पर बिच कुछ शरारती लोग अपना फायदा लैण लई गलत काम कर रहे हैं जिन्हां उत्ते लगाम कसण की जरूरत है। जिला अमृतसर के हलका रायसांसी सरहदी BOP राणिया नेड़े फौज के जवानों वालों 5 प्लास्टिक दी बोतलों में करोड़ों रुपए की हेरन बरामद की गई है। सूत्रों मुताबिक गुप्त सूचना के आधार उत्ते फौज के जवानों ने तलाशी अभियान चलाया तो राणिया BOP तो 5 प्लास्टिक दी बोतलों में हैरोइन बरामद की गई, जिसनों फौज के जवानों ने कब्जे में ले लिया। पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल नहीं जाते, नज़र मारदे मौसम के हाल से। बने रहो चढ़ती कला टाइम टीवी के साथ, धन्यवाद।